उपेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था बहुत जबरदस्त हो चुकी है, अलग अलग शहरों में कैमरेज लग गए हैं, पुलिस भी मजबूती के साथ केस को सॉल्व करने में लगी है। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि पुलिस जबरदस्त काम कर रही है। बड़े महानगरों की बात करें तो वहां पर अपराध का ग्राफ अब बिल्कुल कम आ गया है जब से एक नया साल देखने को मिला है। सर, किस तरह से व्यवस्थाएं की गई थी? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मैं समझता हूँ कि जितना बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुलिस को पिछले समय में दिया गया है, उसका ही परिणाम है कि आज हमारे मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो सभी आधुनिक संसाधनों से लैस है और सारी जो सुविधाएं हमारे पुलिस बल को मिलना चाहिए, चाहे पुलिस बल में वृद्धि का मामला हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला हो, चाहे डायल 100 का मामला हो, चाहे हमारे साइबर सेल को मजबूत करने का मामला हो, और इस तरह से पुलिस के मजबूती के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो जो भी प्रयास हो सकते थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं और उसका ही परिणाम है कि आज पूरे देश में मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो सबसे अच्छी है। हमारी मध्य प्रदेश पुलिस को इस एक वर्ष में 3 बड़ी उपलब्धियां मिली हैं, जहां हमने राज्य की कानून व्यवस्था में लगातार और सुधार हुआ है, वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन सिंहस्थ बहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ जिसमें पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशंसा की गई। दूसरा, जब भोपाल जेल ब्रेक हुआ और उसमें जो 8 आतंकवादी, खूंखार आतंकवादी जो थे वो जब भागे तो हमारी पुलिस ने 8 घंटे में ही उनको इनकाउंटर में मार गिराने में सफलता प्राप्त की। और तीसरा, जो एक अभी पूरा एक सामांतर एक्सचेंज चल रहा था जिससे पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न थे, ऐसा एक पूरा नेटवर्क को पकड़ने में हमारे मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता मिली है, जो पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था, उस पूरी आतंकवादी गतिविधियों को मध्य प्रदेश की पुलिस ने ध्वस्त करने का काम पूरे देश में किया है। और इसलिए मध्य प्रदेश की पुलिस आज हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए जो अच्छा हो सकता वो सब कर रहे हैं। भाई साहब, एक चीज़ है साइबर क्राइम को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन फ्रॉड और सारी चीज़ें किस तेज़ी से बढ़ रही है, सर इस दिशा में किस तरह से पुलिस हालांकि मजबूती से काम कर रही है, नए बड़े बड़े ऑपरेशन ट्रैक कर लेती है, अब और इसमें क्या बेहतर हो सकता है क्योंकि अब आम चीज़ें होती नज़र आ रही है? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारे लिए जो साइबर क्राइम है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और जिस तेज़ी से नए नए तरीके साइबर क्राइम के हमारे देश में लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर हम लोगों को इसको अभी और आधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है उसको और बढ़ाना है, उसको और अधिकतम हमारे अधिकारी सक्षम हो इसको करना है, हमारे हर पुलिस थाने में ऐसा ट्रेंड स्टाफ हो जो आईटी का एक्सपर्ट हो, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम लोग इसको और प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो यही है और उस चैलेंज को ध्यान में रखकर हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी सर, ये हमारे साथ थे गृह मंत्री मध्य प्रदेश के भूपेंद्र सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि साइबर क्राइम जो है एक बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की पुलिस बेहतर काम कर रही है और बड़ी बड़ी चुनौतियाँ को सामना आसानी से कर लेती है और बड़े बड़े अवार्ड भी इसी चक्कर में उन्होंने हासिल किए हैं। शरद व्यास, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।